हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंडियन मॉम। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने व्रत सावित्री की पूजा कैसे की और ये मैंने इसमें क्या क्या किया, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ कि ये मैंने मेहंदी लगवाई थी, ये एक दिन पहले लगवाई है मैंने मार्केट में जाके, और बहुत काफ़ी भीड़ हो गई थी, काफ़ी रश हो गया था। और रात में मैंने 8 बजे ये मेहंदी लगवाई और इन्होंने बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाने वाले भैया ने। और काफ़ी गर्मी हो रही थी, बहुत गर्मी थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने व्रत सावित्री वाले दिन क्या क्या बनाया और क्या क्या किया। ये मैंने छोले ऑलरेडी उबाल लिए थे, वो मैं क्लिपिंग आपको दिखा नहीं पाई। और ये मैं अब चेक कर रही हूँ कि छोले कैसे हुए हैं, कि छोले अच्छे से गल गए हैं कि नहीं गले हैं। और ये मेरे छोले बिल्कुल ही परफेक्टली गल चुके हैं। और अब मैं इसको रख दूँगी कुकर को पीछे और मैं इसके मसाले की तैयारी करती हूँ। ये मैंने कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दी है। अब मैं इसमें इसको साफ़ कर रही हूँ थोड़ा सा, और इसमें मैंने 4 चम्मच घी डाल दिया है। इतने घी गर्म हो रहा है, मैंने इसमें घी गर्म हो चुका है, मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। और जीरा जितने स्प्रिंकल होएगा उतने मैं इसमें, मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली है और मैं प्यूरी इसमें डाल दी है। मैंने 1.5 टमाटर लिया है क्योंकि ज़्यादा खट्टा नहीं करना है मेरे को। और इसको मैंने गैस को सिम पे कर दिया है और हल्का सा पकने दूंगी। इसमें मैंने हल्का सा सूखा धनिया डाल दिया है। अब मैंने इसमें देगी मिर्च डाली थोड़ी सी रंग के लिए। और उसको अच्छे से चला चला के पकाया है सिम पे करके। ये मैंने टमाटर 15 से 20 मिनट तक भुने हैं अच्छे से। और अब मैं इसमें थोड़े से चने डाल दूंगी और उनको अच्छे से मैश कर लूंगी। इससे थोड़ा सा थिक ग्रेवी हो जाती है, अलग अलग नहीं रहता है। और इसको मैंने ढक के थोड़ी देर और पकने के लिए रख दिया है। गाइस, मैंने छोले मसाला की रेसिपी डाली हुई है अपने चैनल पे, तो अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे छोला मसाला इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि वो ख़त्म हो रहा था मेरा रिसेंटली और मैंने चेक नहीं किया था। तो अभी मैं फिर से अपना छोला मसाला बनाऊँगी, तो मुझे यहाँ पर अभी नॉर्मली बनाने पड़े छोले। और ये मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी है और उसमें मैंने घी डाल दिया है और जीरा डाल दिया है। जीरा होने के बाद मैंने इसमें टमाटर प्यूरी डाल दी है। और ये मैं तैयारी कर रही हूँ पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। मैंने ये काजू भिगो दिए थे थोड़े से, 8-10 काजू, और उनको अब मैं पीस रही हूँ। इनका देखिए बहुत ही फाइन पेस्ट बना लिया मैंने काजू का। और मैं ये टमाटर वाली प्यूरी में डाल दूँगी। इससे क्या होता है, पनीर में थोड़ी थिकनेस आ जाती है और बहुत ही अच्छा बनता है पनीर, और काजू का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पनीर की सब्ज़ी में। और अब इसको भी, इस ग्रेवी को भी हम 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। और जब तक मेरी ये ग्रेवी पक रही है मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। इसमें मैंने हल्दी डाल दी है थोड़ी सी और धनिया डाल दिया है और ये लाल मिर्ची पाउडर डाला है और ये कसूरी मेथी डाली है मैंने। कसूरी मेथी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये शिवांश थोड़ा सा बीच में आगे परेशान कर रहा था। उधर मेरी चने की ग्रेवी बिल्कुल परफेक्टली हो चुकी है। अब मैं इसमें चने मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इधर जो चने का बचा हुआ पानी था उसको मैंने एक भिगोनी में ले लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा चाय पत्ती डालूंगी और उसका एक बॉईल दे दूंगी अच्छे से। और ये पानी मैं इसमें छोलों में यूज़ करने वाली हूँ एज ए कलर। बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है चनों में और बहुत ही अच्छे लगते हैं। मीनवाइल मैंने बीच में ग्रेवी को भी अच्छे से चला लिया है ताकि लग ना जाए ये नीचे। और अभी मेरे ये तीनों गैस पर ही काम चल रहा है। एक पे मेरे चाय पत्ती का पानी हो रहा है, एक पे पनीर की ग्रेवी हो रही है और एक पे मेरे छोले बन रहे हैं।
अब मैं इसमें पनीर की ग्रेवी में मैंने मलाई मिलाई है थोड़ी सी। ये इधर मेरा चाय पत्ती का पानी हो चुका है, तो मैंने उसको स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन करके छोलों में डाल दिया है। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रंग आ गया है इसमें। और उसको अब मैं सिम पे पकने के लिए रख दूँगी। और ये ऑलमोस्ट मेरी पनीर की ग्रेवी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें पानी मिला दूँगी। और इसमें एक अच्छा सा बॉईल दे देंगे आप। मैंने इसमें डाला है नमक और मैं ये पनीर डाल रही हूँ इसमें, जो मैंने क्यूब्स की फॉर्म में काट लिया था। और फिर मैंने डाली है इसमें हल्की सी चीनी। चीनी से क्या होता है, एक अच्छी सी शाइन आ जाती है सब्ज़ी में, बहुत ही अच्छा लगता है वो। और इसको मैंने थोड़ी सी तेज़ गैस पे और पका रही हूँ मैं। और ये मेरी पनीर की सब्ज़ी हो चुकी है और मैंने उसको ढक के रख दिया है। अब मैं कर रही हूँ पूरी के आटे की तैयारी। तो मैंने 2 कप आटा ले लिया है, इसमें मैंने हल्की सी हल्दी डाली है और अजवाइन डाली है मैंने। और अब मैं डाल रही हूँ नमक। फिर मैंने लिए इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और जिसको मैं फाइनली क्रश करके इसमें डालने वाली हूँ। और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पूरी में, और अजवाइन के साथ इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ये मैंने डाला है इसमें ऑयल। तो अब मैं पूरी का आटा लगा रही हूँ। मेरे देखो शिवांश की मस्ती चल रही थी साइड बाय साइड। और ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके इस पर अच्छे से फिनिशिंग कर ली है, तो थोड़ा अच्छा लगता है ये आटा। और मेरा आटा लग चुका है, मैंने इसको ढक के रख दिया है। अब मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, और साथ ही साथ मैं अब पूरियाँ बेल रही हूँ। जितने मेरा तेल गर्म होगा इतने मैं अपनी पूरियाँ बेल के रख दूँगी। मैंने पूरियों की तैयारी पहले ही कर ली थी, पूरी पहले ही सेक के रख ली थी, क्योंकि फिर नीचे जाके हमें पूजा करनी थी और फिर आके भोग लगा दूँगी, तो इसलिए मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। गर्मी है तो गरम गरम पूरी भी नहीं खाई जाती है, तो इसलिए मैंने उसको पूरी को सेक के रख लिया था। और आप समझ ही सकते हैं कि अकेले हैं और बच्चा भी है साथ में, तो बहुत मुश्किल होता है सारी चीज़ें एकदम मैनेज करना। तो धीरे धीरे आप अपना काम पूरा कर लीजिए। और ये मैंने ली है दही। दही में थोड़ा सा पानी मिलाया है, मैं बना रही हूँ रायता। और मैंने इसको अच्छे से विस्क कर लिया है। और ये मैंने हल्दीराम की बूंदी यूज़ की है, और ये बूंदी को मैंने इसी में मिक्स करके और इसको मैं वापस फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये ठंडा ही रहे। और इधर मेरा तेल गरम हो चुका है, मैंने अब पूरियाँ सेकनी शुरू कर दी हैं। आप चाहें तो मीठी पूरी भी बना सकते हैं, या फिर मीठे पूड़े बनाए जाते हैं जिनको गुलगुले भी कहते हैं। और मैंने गुलगुले या मीठी पूरी नहीं बनाई है, मैंने मीठे में रसगुल्ले रख लिए हैं।
और ये देखिए मेरी एकदम बढ़िया पूरियाँ बनके तैयार हैं। एक थाली ले ली है, थाली पे मैंने बनाया है सतिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होता है। फिर मैंने ली है, मैं साड़ी रख रही हूँ और मेकअप का सामान है, और ये मैंने एनवलप रखती हूँ मैं, और ये मैंने नमकीन का पैकेट्स रखे हैं थोड़े से, और ये मैंने चना, इसमें बहुत ही ज़रूरी होते हैं काबुली चने, या तो आप इसको भीगे हुए भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप सूखा पैकेट भी रख सकते हैं। ये मैंने कुछ शुभ के लिए थोड़े से भीगे हुए रखे हैं, और ये देखिए शिवांश मेरी हेल्प कर रहा है खरबूजा रखने में, और ये मैंने खरबूजा रखा है, और इसमें आप पूरी और मीठे पूड़े वगैरह भी रख सकते हैं, बट मेरी सास दूर रहती हैं तो मैं सूखा ही निकालती हूँ, और जब वो मेरे को मिलती हैं या मैं उनके पास जाती हूँ तो मैं उनको तभी दे देती हूँ। और अब हम आ गए हैं नीचे पूजा करने के लिए। रोली और हल्दी का टीका लगाया है, और अब मैं अक्षत चढ़ा रही हूँ, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीनी का भोग लगाया है और जल चढ़ाया है थोड़ा सा, और यहाँ पे अब हम मूली बांधते हैं इसमें, और इसके वट वृक्ष के हम 7 चक्कर लेते हैं। और ये माना जाता है कि जैसे सावित्री देवी यमराज से अपने पति को छुड़ा के ले आई थी, तो ये पति के लिए ही व्रत होता है और उनकी दीर्घायु के लिए रखा जाता है ये व्रत, और सब कुशल मंगल रहे इसीलिए रखे जाते हैं ये सब व्रत। और ये शिवांश की अलग ही मस्ती चलती रहती है साइड बाय साइड। नीचे देखिए पूजा की थाली में इनका कुछ कुछ चल रहा है, और पूरी पूजा बड़े ही निष्ठा और बड़े ही लगन से कर रहे थे ये मेरे से भी ज़्यादा। और ये इसमें यहाँ पे कहानी भी सुनी जाती है, चाहे तो आप पेड़ के नीचे ही बैठ के सुन सकते हैं कहानी, या फिर आप अपने घर पे भी सुन सकते हैं। मैंने घर पे आके सुनी कहानी, और कहानी सुनने के बाद मैंने बायना निकाला, और बायना निकालने के बाद कुछ भोग लगाते हैं भगवान को, भगवान को भोग लगाया, और फिर उसके बाद हमने अपना खाना खाया। और इसमें जब तक आप पायना नहीं निकालते हैं तब तक कुछ नहीं खाते हैं, उतना ही व्रत होता है। और ये देखिए मैंने भोग के लिए थाली तैयार कर ली है, और भोग लगा दूंगी अब मैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि उससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। थैंक यू।